जिंदगी परेशानियों से भरी पड़ी है, पर इन परेशानियों में कपड़े और जूते नहीं आने चाहिए। खैर, इन हैक्स के साथ कोई परेशानी नहीं होगी। हाय लिली, अब सही समय है, जैसे मैं अपनी बेस्टी का बर्थडे भूल गई। तुम बहुत प्यारी हो लिली, इसे खोलो। मुझे रंग बहुत पसंद है, ये बहुत प्यारा है, शुक्रिया। चलो अब इसे ट्राई करो। ये तो बहुत प्यारा है ना? शायद ये मेरी वाटर बॉटल से मैच करते हैं। ओह नहीं, क्या ये सच में फट गया? ओह यार, क्या सब ठीक है? काश उसने वो सुना ना हो। रुको, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। अभी आती हूँ, ठीक है? पहले अपनी स्वेट्स को इस तरह फोल्ड करें। अब इसे ऊपर की तरफ काटें। अब इसे वापस खोलें और उल्टा कर दें। कैसा है? वाह, बहुत अच्छी शर्ट है। वो इतनी देखी देखी कैसी लग रही है? ये स्वेट्स तो नहीं थी, है ना? मुझे इतने सालों में कभी इतना पसीना नहीं आया। मैंने यहाँ शर्ट नहीं छोड़ी थी क्या? लाना, तुमने मेरी शर्ट देखी है? मैंने यही रखी थी, कसम से। क्या किसी और ने वो ले ली? अब मैं क्या पहनूं? चलो देखते हैं। यहाँ बहुत कुछ है, और सबसे पहले ये कौन पहनता है? ओह, मुझे नहीं जाना। मैं रेड में अच्छी लगती हूँ, है ना? मुझे पक्का नहीं पता। लाना, क्या ये लड़कों वाली शर्ट नहीं है? नहीं, ये बहुत अजीब है। अब क्या? मेरे हेयर इलास्टिक्स के बारे में क्या ख्याल है? मुझे पता है, इस तरह सारे बटन्स को कनेक्ट करें, कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। और स्लीव्स को कफ कर दें। लाना, क्या ये तो बिल्कुल नई शर्ट लग रही है। मैं तुम्हें छोटा सा सीक्रेट बताऊंगी। बस सभी ने अपने डांसिंग शूज पहने हो। ये कौन है? ये बस गलती से हुआ है। ये शूज ढंग से फिट नहीं होते। इसे ठीक करना बहुत आसान है। स्कार्फ किस लिए है? बस देखो, ठीक है? इसे अपने शू के नीचे से निकालो और अब एड़ी पर बांध दो। बिल्कुल अच्छे से बांध दो। बढ़िया और बहुत प्यारे। अब जरा इन डांसिंग शूज को देखो। अब हम सेफ रहकर पार्टी कर सकते हैं। योगा के लिए तैयार हो और प्ले। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ये ट्रिकी होता जा रहा है, पर हम प्रो हैं। सांस लेना मत भूलना। अब अपनी टॉर्सो को स्ट्रेच करें। क्या मैं सही कर रही हूँ? और अब ऊपर चलो। ये शर्ट बहुत लूज है। चलो भी ऊपर रहो, ये मेरे चेहरे को परेशान कर रही है। तुम ठीक हो ना बेटी? खुद ठीक हो जाएगी। बहुत हुआ, मैं और नहीं सह सकती। ये शर्ट इसके लिए बहुत बेकार है, पर शायद मैं इसे ठीक कर पाऊं। दोनों तरफ से पकड़े, क्रॉस करें और एक दूसरे में टक कर दें। देखा,
हे, तुमने शर्ट के साथ क्या किया? ये बहुत अच्छा है। ओह, अगला पोज। बहुत अच्छा कर रहे हो। अब सेंटर ढूंढो। चलो अगली बार मिलते हैं। कभी-कभी एक बिल्कुल साधारण दिन कुछ सेकंड्स में बुरा हो सकता है। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। बहुत हो गया बेटी। ये शर्ट बिल्कुल नई है। ये कैसा मजाक है? मैं अभी कुछ करती हूँ लिली। इसे पकड़ो। अब क्या करोगी? मेरे पास चेंज करने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं खुद कुछ फैशन बना सकती हूँ। ओवरसाइज स्कार्फ को खोलें और अपनी कमर पर बांधें। इलास्टिक से इसे यहाँ सिक्योर करें। अच्छे से टाइट करें। जब ये सिक्योर हो जाए तो पीछे के कोनों को दोनों हाथों में लें। अब इसे इसके साथ में बांधें। जब ये हो जाए तो इसे घुमाएं। अब नई स्लीव्स में अपनी बाज में डालें और इसी तरह आपको एक ब्रांड न्यू टॉप मिल गया। मुझे क्लास में जाना चाहिए। मुझे इस दिन की बहुत जरूरत थी। मैंने काफी समय बर्बाद किया। मेरा फोन, वो मुझे 5 मिनट में लेने आ रहा है। मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। इससे भी बुरी लग सकती हूँ क्या? क्या ये साफ है? बिल्कुल भी नहीं। और ये वाला पिंक अच्छा जाएगा। लगता है मुझे मिल गया। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये दोगुना बड़ा है। पर मुझे इससे काम चलाना होगा। तो इसे टक कर लेते हैं। कम से कम अब मेरी शेप तो नजर आ रही है। शायद काफी ज्यादा। जरा इस कपड़े को तो देखो। ओ नहीं, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इस तरह शर्ट को रोल करें, ऊपर चढ़ाते जाएं। अब इसे ध्यान से टक करें। अब बिल्कुल कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ और ये टमी एकदम स्मूथ है। क्या आपको लगता है ये शूज और क्लोथिंग हैक कभी आपके काम आएंगे? इसे सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सीक्रेट्स पता चले। क्या आपने अभी तक ये देखे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें।